तो द नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस इन डेटा लाइफ साइकिल सिक्योरिटी। अभी इसमें हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स कि क्या क्या कंसर्न होने चाहिए, है ना। अब देखते हैं हम कौन कौन से सिक्योरिटी अटैक हैं जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग में देखते हैं या जो जनरली ऑकर होते हैं, ठीक है। वो ये कंसर्न्स हैं। फर्स्ट इज डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये मोस्ट वाइडली मतलब सबसे ज्यादा ऑकर करने वाला अटैक है क्लाउड सर्विस पे, ठीक है, डॉस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो सम सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैव आर्ग्यूड दैट द क्लाउड इज मोर वल्नरेबल टू डॉस अटैक, ठीक है। सबसे ज्यादा वीक है क्लाउड डॉस अटैक में, डिनाइल ऑफ सर्विसेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो बहुत सारे जो यूजर्स हैं उनको शेयर्ड पूल दे रखा है ना। आप मान लीजिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में, तो हॉस्पिटैलिटी में आपने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्लाउड में एक्सेस दे रखी है ना। रेस्टोरेंट के सेक्टर में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो रेस्टोरेंट आपने कई सारे रेस्टोरेंट्स को एक्सेस दे रखी है, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस करने वाले मतलब कंपटीटर्स को आपने एक्सेस दे रखी है। तो अल्टीमेटली कंपटीशन में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है अगर दूसरे बिजनेस की मिल जाए तो हम अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो कर सकें, है ना। वो तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, रेड ओशियन स्ट्रेटेजी बेसिकली। तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, है ना। तो जनरली पता चला कि आप अगर कुछ ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं और जब कोई क्लाइंट उसको विजिट करता है आपकी सर्विसेज को तो वो डिनाई कर देता है, मना कर देता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। तो बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय द मैनी यूजर्स विच मेक्स डॉस अटैक मच मोर डैमेजिंग, ठीक है। तो क्योंकि ये जो क्लाउड सर्विस में आप देखिए तो मैनी यूजर्स उसमें जुड़े होते हैं जिससे कि ये डॉस अटैक परफॉर्म हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग है क्लाउड के केस में। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, ट्विटर सफर्ड अ डिवास्टिंग डॉस अटैक ड्यूरिंग 2009, ठीक है। तो ट्विटर ने एक ये डॉस अटैक नोटिस किया था इन 2009, ठीक है। तो ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था। इसी तरह से और जो दूसरा टाइप का अटैक है दैट इज साइड चैनल अटैक। साइड चैनल अटैक क्या होता है? एन अटैकर कुड अटेम्प्ट टू कॉम्प्रोमाइज द क्लाउड बाई प्लेसिंग अ मलिशियस वर्चुअल मशीन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द टारगेट क्लाउड सर्वर एंड देन लॉन्चिंग अ साइड चैनल अटैक। आजकल होता है ना जो कैपेचे देते हैं या आप AKTU का जो ERP खोलते हैं तो उसमें क्या दिखाता है कि क्लिक ऑन द स्ट्रीट लाइट, है ना, या क्लिक ऑन द दैट क्रॉस बार, है ना, तो उनमें आप क्लिक करिए। या मान लीजिए कि जो फायर का जो एक सिग्नल है या पोस्ट ऑफिस है या कुछ भी इस तरीके की चीजें आपको उसमें से चेक करनी होती हैं और उसके बाद वो आपको एक्सेस देता है। तो वो क्यों है कि आप किसी वर्चुअल मशीन के थ्रू आपने कुछ प्रोग्रामिंग करके कोई साइड चैनल अटैक तो नहीं परफॉर्म कर रहे, ठीक है, कि आप उस क्लाउड में एक्सेस कर सको और फिर अल्टीमेटली जो मतलब सर्विस प्रोवाइडर या एक तरीके से कह सकते हैं जो क्लाइंट है उसको आप कुछ उनके सिक्योरिटी मैकेनिज्म में आप कुछ तरीके का थ्रेट क्रिएट करो या वहां पर कुछ अटैक करो, ठीक है। तो इसलिए दिस कम्स अंडर दिस कैटेगरी साइड चैनल अटैक। तो ये भी एक दूसरे तरीके का देख सकते हैं आपके सिक्योरिटी अटैक है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन अटैक। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आपको 2 लेयर या 3 लेयर मान लीजिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो आपको दी गई है, ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, कि वो आपको 2 लेवल पे या 3 लेवल पे या मल्टी लेवल पे ऑथेंटिकेट करेगा। और उसके बाद ही अभी आप देखिए बहुत सारी आपने मूवीज देखी होंगी, है ना, तो उसमें दिखाता है ना कि आपकी रेटिना स्कैन करेगा तभी आपको एंटर करने देगा, या फेस स्कैन करेगा आपका मोबाइल भी इवन फेस या फिंगर स्कैन करेगा तभी आपको एक्सेस देगा, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन में आप देखिए तो मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो आजकल कंपनीज डिवाइस करने लगी हैं। तो ऑथेंटिकेशन अटैक, ऑथेंटिकेशन इज अ वीक पॉइंट इन होस्टेड एंड वर्चुअल सर्विसेज एंड इज फ्रीक्वेंटली टारगेटेड, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है या कोई है और जिसने आपके पैटर्न को देख लिया, है ना, कि आप जनरली जो पासवर्ड रखते हो, आप जनरली पासवर्ड लोग किस हिसाब से रखते हैं कि उनको याद रह जाए, है ना। इसलिए बोला जाता है कि ब्रूट फोर्स अटैक में जो आप अपना पासवर्ड रखिए कम से कम जो है आपका 8 बिट का होना चाहिए, और इसके अलावा उसमें मिक्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब उसमें आप देखिए तो अल्फा न्यूमेरिक जो आपके होने चाहिए वो भी कैप और स्मॉल दोनों होने चाहिए, ठीक है, उसमें न्यूमेरिक भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन आप पासवर्ड रखें और उसको टाइम टू टाइम, ब्रूट फोर्स अटैक बोलता है कि 21 डेज में आप अपना जो पासवर्ड है उसको
रीफ्रेम कर लिया करें, दोबारा नया जो है वो पासवर्ड दिया करें। और इवन आप लोग जो नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं ना, तो नेट बैंकिंग में भी आप देखिए तो जनरली वो आपको बताता रहता है कि इतने दिन हो गए आपको पासवर्ड चेंज किए हुए, काइंडली चेंज योर पासवर्ड, है ना। पुराना डालिए, उसके बाद दो बार नया डालिए, उसको कंफर्म करिए और उसके बाद से आप नया पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन इज अ वीक पॉइंट इन होस्टेड एंड वर्चुअल सर्विसेज एंड इज फ्रीक्वेंटली टारगेटेड, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक और ये साइड चैनल अटैक के बाद देखिए तो ऑथेंटिकेशन अटैक भी बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला अटैक है, अटैक टेक्निक है जो हैकर्स और क्रैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है। जनरली वो लोग पैटर्न देखते हैं ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जनरली फोन नंबर लोग डालते हैं, गाड़ी का नंबर, है ना, और अपने स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ या जो कुछ ऐसा एनिवर्सरी का डेट, कुछ इस तरीके का, तो वो पैटर्न ड्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी तो कभी कभी होता है ना कि जैसे अपनी कोई फाइल या किसी की और की फाइल खोलनी है तो क्या करते हो कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हो, है ना। तो जनरली जो ये हैकिंग वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग क्या करते हैं, ये सब पैटर्न देखते हैं ना। तो देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू ऑथेंटिकेट यूजर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वॉट अ पर्सन नोज हैज और इज, है ना। अभी देखिए जैसे मान लीजिए आप अपनी आईडी भूल गए, है ना, या पासवर्ड भूल गए, तो आप क्या करते हैं, गूगल में जाकर के फॉरगेट योर पासवर्ड डालते हैं, तो उसके बाद वो पूछता है कि आप अपना फोन नंबर में ओटीपी आएगा, या तो ओटीपी आता है, नहीं तो वो जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस दो तीन आपसे भरवाए जाते हैं ना, ठीक है, जब भी आप कोई आईडी बनाते हैं या नेट बैंकिंग की आईडी बनाते हैं तो उसमें क्या करता है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस भरवाता है, ठीक है, कौन सा शैम्पू पसंद करते हैं, आपके पेट नेम क्या है, आपकी मदर का बर्थडे, बर्थ ईयर और डेट के फॉर्म में बताइए, तो इस तरीके से आपसे जो है तमाम तरीके के क्वेश्चंस वो सेलेक्ट करने को बोलता है, ठीक है। और उसके थ्रू वो जो है आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देता है, उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करता है। तो बेस्ड ऑन व्हाट पर्सन नोज हैज और एज, है ना, तो जनरली होता क्या है कि जो हैकर और क्रैकर भी होते हैं वो भी इसी हिसाब से देखते हैं कि आपके पास क्या है, आप क्या जानते हैं, क्या रखते हैं या क्या आपके पास है, और उसके बेसिस पर वो एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं और आपके पासवर्ड जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, उनको चुराने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली उसके थ्रू वो आपकी सिक्योरिटी में अटैक करते हैं, ठीक है। तो द मैकेनिज्म यूज्ड टू सिक्योर द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड द मेथड्स यूज्ड आर अ फ्रीक्वेंट टारगेट ऑफ अटैकर्स, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए तो जो आप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है तो बेसिकली इसको स्टील करने के लिए ये एक फ्रीक्वेंट टारगेट है भाई, मतलब टू द अटैकर्स, ओके। नेक्स्ट इज मैन इन मिडल क्रिप्टोग्राफिक अटैक। अब इसमें क्या है कि अपने आप को आपने बीच में सेट कर दिया है ना, मैन इन मिडल, आप उसी एजेंसी में, ये जनरली इनसाइडर अटैक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप गलत इंटेंशन से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आपने देखने को मिले हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इनसाइडर अटैक है, ठीक है, आपने वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो आपने ली और उसके बाद उसके थ्रू आपने अटैक जो सिक्योरिटी अटैक किया, क्रिप्टोग्राफिक अटैक, ठीक है। तो मैन इन मिडल क्रिप्टोग्राफिक अटैक, दिस अटैक इज कैरिड आउट व्हेन एन अटैकर प्लेसेस हिमसेल्फ बिटवीन द टू यूजर्स, है ना, क्लाइंट और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में आप कहीं पर एग्जिस्ट हो गए और उसके बाद आपने जो है वहां पर उस पर्टिकुलर जो अटैक है उसको परफॉर्म किया, ठीक है। तो एनी टाइम्स अटैकर्स कैन प्लेस देमसेल्व्स इन द कम्युनिकेशन पाथ एंड देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट दे कैन इंटरसेप्ट एंड मॉडिफाई द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जनरली क्या है कि आपने मॉडिफाई किया या जो आपका कम्युनिकेशन है, दोनों के बीच में बात हो रही है, उसको आपने इंटरसेप्ट कर लिया, होता है ना, जो कॉल ट्रेस की जाती है, ठीक है, तो कॉल ट्रेस करी किया आपने और ट्रेस करके आपने इंफॉर्मेशन निकाल ली और जा करके आपने वो पर्टिकुलर जो भी मतलब बेनिफिट दोनों में से किसी एक को मिलने वाला था वो बेनिफिट आप ले गए, ठीक है। तो दैट इज द मैन इन मिडल क्रिप्टोग्राफिक अटैक, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ अटैक जो कि क्लाउड सर्विस में ऑकर करते हैं, तो चैलेंजेस इन डेटा लाइफ साइकिल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अटैक, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आप ये रेफरेंसेस फॉलो कर सकते हैं, द इंटैक्ट वन डॉट कॉम ये ब्लॉग है, ठीक है, इसको देख सकते हैं, कुछ और ब्लॉग्स हैं, अगर आप इन टाइटल्स को डाल करके देखेंगे ना, चैलेंजेस इन डेटा लाइफ साइकिल सिक्योरिटी, चैलेंजेस इन डेटा लाइफ साइकिल सिक्योरिटी कंसर्न, और इस तरीके से आप अलग अलग ब्लॉग्स भी ढूंढ सकते हैं और उनको फर्दर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इज देयर एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क, अदरवाइज डू यू हैव एनी डाउट? नो सर।